बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब ये पालक की सब्ज़ी हमने बनाई है। ये बनकर बहुत सॉफ्ट लगती है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब रहता है। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। तो बनाना शुरू करते हैं। 300 ग्राम मैंने पालक लिया है और इसके मैंने डंठल अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। अब हम इन्हें धो लेंगे। पालक को हमने पानी से अच्छे से धो लिया है 3-4 बार। अब हम इसकी बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। पालक को हमने काट लिया है इस तरह से बारीक। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। एक बड़ी प्याज ली है मैंने, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। प्याज को हम जार में डाल देंगे और थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे दरदरा। ये देखिए पालक काफ़ी सॉफ्ट हो गया है क्योंकि इस पर नमक डाला था। अब हम इसे निचोड़ के दिखाते हैं इसने कितना पानी छोड़ा है। ये देखिए पानी निकल रहा है इसमें से, तो हम इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे, इसका सारा पानी निकाल देंगे नमक वाला। पालक को हमने अच्छे से निचोड़ लिया है, देखिए कितना सा पालक हो गया ये और इतना सारा इसमें से पानी निकला है। हम इसे फेंकेंगे नहीं, ये बाद में काम आएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड कर देंगे जो हमने ग्राइंड किया था, इसमें से पेस्ट को 2 चम्मच में इसमें पेस्ट डाल रही हूँ। और बाइंडिंग के लिए मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ, 1 कटोरी मैंने बेसन लिया है, आप अपने हिसाब से लें। और थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, ज़रूरत होगी तो हम और डालेंगे। मिर्च पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे और नमक इसमें पहले से ही है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा बेसन मैं और ऐड करूँगी जिससे ये अच्छे से बाइंड हो जाए। मैंने इस तरह की चलनी ली है और इस पर मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया है। अब हम इसकी पालक की हम लोइयां बनाएंगे इस तरह से गोलियां, तो इस तरह से बाइंड कर लेंगे। देखिए कितने इजीली तरीके से हो रहा है ये, तो सबकी हम गोलियां बना लेंगे इस तरह से, इस पर चिपकेगी नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए सारी बॉल्स हमने तैयार कर लिए हैं, अब हम इन्हें भाप में पकाएंगे। पतीले में मैंने पानी गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था। अब हम इस चलनी को इसके ऊपर रख देंगे और इसे कवर कर देंगे। इस तरह से मैंने इसे कवर कर दिया है और ये भाप में अच्छे से पक जाएंगी। हम मसाले तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हींग डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी, 1 तेज़पात का पत्ता, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा। अब हम इसे अच्छे से भुनने देंगे। चटक गया है, अब हम इसमें प्याज वाला पेस्ट डाल देंगे लहसुन का। कलर चेंज होने तक प्याज को पकाएंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, इसमें 1 लाल कश्मीरी मिर्च डालेंगे 1 चम्मच, इससे कलर अच्छा आएगा। अब हम इसमें टमाटर प्यूरी डाल देंगे, ये 2 टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई है, इसमें हरी मिर्च भी डाली थी। और इन्हें अच्छे से पकाएंगे मसाले को। फ्रेंड जितने अच्छे मसाले हमारे पकेंगे उतनी अच्छी हमारी सब्ज़ी बनके तैयार होगी, तो अच्छे से पकाएं मसाले। अब हम टमाटर को जब तक पकाएंगे जब तक तेल न छोड़ दें। टमाटर ने ऑयल छोड़ दिया है, इसमें हम मिर्च डाल देंगे, अपने स्वाद अनुसार डालें, आप तीखा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डालें। 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1/4 हल्दी पाउडर, और अच्छे से इनको चला देंगे। और मैंने इसमें अभी नमक नहीं डाला है, हमारे जो पालक में से जो पानी बचा था उसको हम डाल देंगे। इसको पकाएंगे मसालों को। देखिए बॉल हमारी तैयार हो चुकी हैं और देखिए बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, ये देखिए आराम से छूट रही हैं। मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, इसमें हम पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालें। 1 बाउल आने तक इसको अच्छे से पकाएंगे।
ग्रेवी में थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा कम लग रहा है मुझे। अब इसे ढक के पकाएंगे। ग्रेवी में एक बॉयल आ गया है, अब हम इसमें बॉल डाल देंगे और इन्हें 5 मिनट कुक करेंगे ढककर। ये देखिए बॉल्स काफ़ी फूल गए हैं। फ्रेंड्स, ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप इसे पराठे, नान, रोटी, पूड़ी सबके साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और कुछ ही मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।